अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आलू चीज़ का मज़ेदार सा पराठा बनाने की रेसिपी। और उसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर मैश कर लिया है। ये हमें चाहिए है 1/2 टीस्पून, हमें चाहिए है नमक, 1/2 टीस्पून से कम काली मिर्ची, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा सूखी धनिया पाउडर, और ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम मोज़रेला चीज़ ली है श्रेडेड हुई, ये हमें चाहिए है। 4-5 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़ी सी धनिया बारीक कटी हुई, थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज, ये हमें चाहिए है। तो सबसे पहले इसकी जो है फिलिंग हम लोग रेडी कर लेते हैं। ये हम लोग मैश किए हुए आलूओं के अंदर डालेंगे ज़ीरा, सूखी धनिया, नमक, काली मिर्चों का पाउडर, सुरख मिर्चों का पाउडर, शिमला मिर्ची, प्याज, सब्ज धनिया, सब्ज मिर्ची, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही ये चीज भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये बैटर जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसकी फिलिंग हम लोग जो साइड पे कर लेंगे। अब हम लोग अपना बेलन लेंगे और आम आटा जो हम लोग गूंथते हैं नॉर्मल, वही आटा और इसका छोटा सा पेड़ा लेंगे हम लोग। बिल्कुल छोटा साइज के 2 पेड़े बनाएंगे। तरह सेकंड में बना लिया है, इनको हम लोग बेलेंगे। ये देखिए, इतने साइज में हम लोग रोटी बेलेंगे और इसके अंदर आलू और चीज की जो स्टफिंग है ये लगा देंगे। आलू चीज पराठा जो है ये बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, क्योंकि बच्चों को ऑलवेज चीज पसंद होती है। तो ये देखेंगे, सारा हम लोगों ने लगा दिया। और ये जो दूसरा पेड़ा था उसकी भी हम लोगों ने रोटी बेल ली थी, इसको उसके ऊपर लगा देंगे और किनारों से अच्छे से हम लोग बाइंड कर देंगे। और हल्के हाथों से दबाकर रोटी को भड़ा कर लेंगे। देखिए, ये जो है पराठा जो है आलू चीज का बेल चुका है। अब हम लोग इसको प्रीहीटेड गरम तवे पे डाल देंगे। तवे पे हम लोगों ने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो डाला है ताकि तवे को अच्छे से ग्रीस कर ले। अब इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। और उसे 1 मिनट बाद पलटेंगे, फौरन नहीं पलटेंगे। अब इसको हम लोग पलट देंगे आराम से इस तरह से, और थोड़ी स्लो फ्लेम पर हम लोग इसको पकाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये मक्खन जो है वो हम लोग लगा देंगे इस तरह से। आप दूसरा घी भी यूज कर सकते हैं। मैं मक्खन वाला पराठा बना रही हूँ, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो ये मैंने मक्खन लगा दिया है।
अब मैं इसको आराम से एक चम्मच की मदद से इसको पलट दूंगी इस तरह से, और दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन ब्राउन करूंगी। ये देखिए, ये साइड से भी अच्छे से गोल्डन हो चुका है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसको उतार लूंगी। ये देखिए, रेडी है हमारा मजेदार सा आलू चीज पराठा, बहुत ही मजे का, बच्चों को बहुत पसंद होता है। मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ। देखिए, मैं आपको इसको खोल कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत मजे का, बहुत डिलीशियस, और हर एक का पसंदीदा होता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू चीज पराठा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, 2 रेसिपीज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।